हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह काबरों को हम कवर करेंगे। गुल्लार काबरे हमारे यहाँ हैदराबाद में शिस्टर गुल्लार कहलाते हैं भाई। तो यहाँ पर तीन कलर है, तीन कलर है, बेसिकली दो कलर है, उसमें और वैरायटी है। तो मैं इंशाल्लाह अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने नर खोल रखे हैं और इस साइड में मैंने मादियाँ रखी हुई है इस दबक में। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये एक काबरा है, एक नई नस्ल बनाने की शुरुआत थी। ये 68 गंडों का मक्सी काबरा है, ठीक है। इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 68 मक्सी है और इसको गुल भी है, माशाल्लाह से गुल तो नज़र आने चाहिए। तो इसको मैं छोड़ता हूँ। इसकी जनरेशन की सेकेंड जनरेशन में ये मादी है, हल्के गंडों की मक्सी गुलदार काबरन, और उसी की पट्टी वो है, वो भी हल्की 68 गंडों की गुलदार है, ठीक है। ये एक जनरेशन है और बाकी तो तुलसी मेरे आप लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हो, तुलसी काबरे है इसमें, यहाँ पर भी तुलसी है। ये काली काबरन है, ये काले काबरे है, ठीक है। ये एक यंग पट्टी है। तो इसको मैंने छोड़ दिया है नर को। तो ये मैं कैमरा यहाँ सेट कर देता हूँ। काबरा जब गुल भर जाता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और आता है। देखिए मादी का शौक, देखिए इसका गुल, गुल भरने के बाद कबूतर का एक अपना ही मज़ा है। इंशाल्लाह एक काला काबरा भी गुल भर देगा। ये पट्टा ही माशाल्लाह अच्छा गुल भर रहा है। ये मादी भी गुल भर रही है, इतनी तेज रही है जितना ये पट्टा है। ये पट्टी तो माशाल्लाह, ये अमरीकाबरे को भी गुल है, अमरीकाबरा भी गुलदार है माशाल्लाह से। इसमें एक सबस काबरा भी है, वो भी गुलदार है। कालों में से ही निकला हुआ है, इन्हीं में से निकला हुआ है। ये भी यंग पट्टा है माशाल्लाह, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये यंग पट्टा है, 1.5 साल का रहा होगा ये। ये अमरी 68 काबरन, 68 गंडों की मक्सन है।
कब रहा है गुलदार।